डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू दादी माँ की बगिया। फ्रेंड्स, आज मैं आपको अपनी बगिया का टूर भी कराऊंगी और ये भी दिखाऊंगी मैंने अपने गार्डन में क्या क्या लगा रखा है। तो देखिए, यहाँ से शुरू करते हैं। ये मिर्ची का प्लांट है और देखिए किस तरह से ये बढ़ रहा है, फूल रहा है और इसमें छोटी छोटी मिर्चियाँ भी लगना शुरू हो गई हैं। इस तरह से ये देखिए छोटी मिर्ची है लेकिन पकड़ा है तो ये टूट गई है। इस तरह से ये देखिए, इधर हमने लोबिया शुरू किया है तो लोबिया बहुत अच्छा चल रहा है। कल मैंने हार्वेस्टिंग का वीडियो भी डाला, देखिए लोबिया कितनी अच्छी लग रही है, चारों तरफ लोबिया ही लोबिया नज़र आ रही है। देखिए इसके साथ साथ में मैंने कुछ प्लांट बड़े भी लगाए हैं, जैसे कि मैंने कटहल का प्लांट लगाया और इसको क्या किया है, इसके ये देखिए चल दिया है, इसमें न्यू ब्रांचेज और पत्तियाँ आने लगी हैं। ये देखिए न्यू ब्रांच निकली और इसकी कितनी अच्छी पत्तियाँ निकल रही। और इसके सपोर्ट के लिए मैंने सोचा ज़्यादा गर्मी ना लगे, ज़्यादा धूप ना लगे, ज़्यादा बारिश का असर ना हो, तो ये मक्का के मैंने प्लांट इसमें लगा दिए। और जब तक ये मक्का काटने काबिल होगी तब तक हमारा कटहल का पेड़ बहुत अच्छे से सेफ हो जाएगा। इधर भी लोबिया देखिए चल रही है, देखिए लोबिया लगी हुई है, बहुत अच्छी से लोबिया लगी हुई है चारों तरफ। फिर ये और भी मैंने मक्का बोई हुई है, इधर ये मक्का देखिए सब चल रही है। ये देखिए ये सारे मक्का के प्लांट मैंने लगा रखे हैं। इधर देखिए ये हमने फ्रूट का अंजीर का प्लांट लगाया, तो ये तो इसे तो लगे हुए कम से कम 6 महीने हो गए, इसमें 2 बार फल आ चुके हैं। ये 12 मासी है, एक तरफ फल तैयार होते हैं पककर और दूसरी तरफ इसमें फिर से लग जाते हैं। तो इस तरह से बरसात में आप बहुत कुछ लगा सकते हैं। ये देखिए यहाँ पर मचान बना रखा है और यहाँ पर वो सब्जियाँ लगाते हैं जो मचान पर चढ़ाई जाती हैं, बेल वाली सब्जियाँ जैसे लौकी, कद्दू और ये देखिए खीरा। खीरा भी फूल आने लगा है, फल लगने का टाइम आ गया है। और इधर देखिए ये देखिए कद्दू, इतने अच्छे कद्दू देखिए लग रहे हैं। एक कद्दू पे मैंने पॉलीथीन भी लगा दी है जिससे इसमें कीड़े ईड़े कोई मक्खी अक्खी डंक ना मारे, और इन दोनों में भी आग लगाएंगे और इसको ऊपर बांधेंगे इस तरह से। इधर साइड में हमारी ये भिंडी और इस साइड में देखिए हमने ये लगा रखा है, इस दो रो में ये है हल्दी और इधर लगा रखा है मैंने अरवी। हल्दी, अरवी, अरवी, ये देखिए पूरा ये हल्दी और अरवी लगा रखी है। और इधर ये भिंडी है, तो भिंडी भी हमारी अच्छे से हर दूसरे तीसरे दिन हार्वेस्टिंग के लिए मिल जाती है। बस एक मैंने इधर ग्वार की फली और तुलसी का प्लांट लगाया था लेकिन उसके साथ साथ में एक कद्दू जो था वो नीचे निकल आया, वो प्लांट बहुत अच्छा चल रहा, तो मैंने उसको थोड़ा इसी पर चढ़ाने का सोचा। लेकिन ये क्या हुआ कि यहाँ पर हम उसके लिए मचान नहीं बना सकते थे, तो देखिए कद्दू की बेल ने सभी प्लांटों को दबा लिया है। और देखिए इसमें भी बहुत अच्छा कद्दू लग रहा है और इसमें मैंने पॉलीथीन चढ़ा दी है। ये देखिए कद्दू इसमें भी लगने लगा और ये पॉलीथीन मैंने इसकी चढ़ा रखी है जिससे इसमें भी डंक ना मारे कीड़ा। इधर भी देखिए भिंडी और वो रो हमारी पूरी एक क्यारी है, वो हमारे फूलों की, करी पत्ती की, नींबू की, और मैं आपको वहाँ भी दिखाऊँगी पास जाके। पहले आप इधर देख लीजिए, ये देखिए मूली कितनी अच्छी तैयार हो गई, इसकी एक दिन मैंने हार्वेस्टिंग भी कर ली और ये मूली देखिए कितनी अच्छी चल रही है। ये तो मैंने थापी बना के मूली लगाई थी और ये ऐसे ही खुला ऐसे ही छिटका के फैला दी थी, तो देखिए ये भी जब तक वो मूली ख़त्म होगी तब तक ये मूली तैयार हो जाएगी। तो इस तरह से मैंने इस साइड में ये सब लगा रखा था। आप भी लगा सकते हो, मूली लगाने का टाइम आ गया। ये देखिए भिंडी पहले की है, ये ग्वार की फली का जो जिसको दरारी भी बोलते हैं, ग्वार फली, ये बहुत अच्छे से चल रही है। देखिए इसमें पूरे में इस समय फूल और छियाँ आ गई हैं। इधर ये देखिए भिंडी है,
फिर इसमें टमाटर लगाए, लेकिन बारिश ज़्यादा होने की वजह से टमाटर कुछ तो चले हैं, कुछ इनकी जड़ें गल गई तो ख़त्म हो गया। एक मैंने ये सहजन का उस सरी शहतूत का पेड़ लगाया, और इसमें लगाते हुए अभी मुझे मुश्किल में एक महीना ही हुआ होगा शायद, मैंने वीडियो बना के डाला है। और ये देखिए इसमें कितने अच्छे फूल लगने लगे हैं और शहतूत लगने लगे हैं, ये देखिए। और इसके आसपास भी मैंने मक्का के प्लांट लगा दिए थे, लेकिन अगर इस पेड़ को ये दबाएंगे तो हम मक्का के प्लांट हटा देंगे। और इस तरह से आप मक्का भी लगा सकते हो अगर ज़्यादा बड़ा ग्रो बैग है। और ये देखिए हमारा चल रहा है बैंगन के प्लांट चल रहे हैं, देखिए इसमें अच्छे खासे बैंगन लगे हुए हैं, शायद डाले इसकी झुक गई हैं, इतना बैंगन लगा हुआ है देखिए। और ये नीचे भी ये लगा हुआ है, तो ये इस तरह से बैंगन हमारे चल रहे हैं, ये भी बैंगन है। और इसके साथ साथ में ये न्यू प्लांट हम लगा दिए बैंगन के, और अगर इसमें खरपतवार हो तो आप निकालते रहना, और हर एक दो चार महीने बाद में बैंगन लगाते रहिए, दो चार पेड़ तो सालों साल चलते हैं। और ये हमारा लंबा बैंगन जो प्लांट है, लंबे बैंगन का है, देखिए इसमें लंबे हुए कितने लगे हुए हैं, ये देखिए, अगर आप ढंग से देखना चाहें तो देखिए ये इस तरह से ये मैंने बैंगन लगा रखे हैं। इधर भी देखें ये लांग बैंगन लगा हुआ है। तो इसी तरह से हम लगाते रहते हैं हर सब्जी हर 15 दिन बाद। अब ये देखिए कल ही मैंने वीडियो डाला है, उसमें मैंने गोभी ये लगा दिया है, पूरी क्यारी में ये गोभी लगा दिया है, ये देखिए। और इसकी अभी ये जो पौधा है सीडलिंग है, ये देखिए अभी चल रही है, इसको हम बराबर लगाते रहेंगे हर 15 दिन बाद, क्योंकि एक साथ नहीं लगाएंगे, एक साथ लगाने से गोभी एक साथ तैयार हो जाते तो बहुत मुश्किल हो जाता है, गोभी खा खा के दिल भर जाता है, इसलिए हर 15 दिन बाद गोभी लगाएंगे। और इधर न्यू सीडलिंग मैंने डाली है, वो भी देखिए इस तरह से ये तैयार हो रही है, ये देखिए इस तरह से। अभी फिर हम 15 दिन बाद सीडलिंग डाल देंगे, क्योंकि ये सब लग जाएंगी तो बाद में मुझे दिसंबर, ये अक्टूबर में लगाने के लिए मिल जाएंगी, फिर नवंबर दिसंबर के लिए मुझे सीडलिंग और करनी पड़ेगी। मैं कभी भी नर्सरी से इसकी सीडलिंग नहीं लाती हूँ। और ये देखिए इधर हमारी तोरई, ये ऊपर पौड़ रही है, और इसमें से तोरई हम दो बार हार्वेस्टिंग कर चुके हैं और अभी भी फूल लगे हुए हैं। और एक खीरा, दो खीरे के प्लांट हैं, तो देखिए खीरा भी लगना शुरू हो गया है, ये देखिए खीरा लग रहा है इसमें, और भी छोटे छोटे खीरा लगे हुए हैं। तो इस तरह से आप बीच बीच में सब्जियां लगाते रहिए, आपको टाइम टाइम से लगाते रहिए तो टाइम टाइम से आपको मिलती रहेगी। एक साथ कभी कोई सब्जी नहीं लगाइए, धीरे धीरे लगाते रहिए। अभी हम और भी लौकी कद्दू करेला और भी लगाएंगे। तो इस तरह से मेरी पूरी बगिया का व्यू आपको दिखा दिया, और मेरे पास इस सीज़न में भी बरसात में भी डेली कोई ना कोई सब्जी मिलती है, कभी भिंडी, कभी लोबिया, कभी कद्दू, कभी मूली, इस तरह से मुझे मिलते रहते हैं। और बैंगन तो सदा बाहर है, ये तो कभी मिलना बंद ही नहीं होते हैं। तो चलिए अब आपको दिखाते हैं इस क्यारी में, इस क्यारी में मैंने जितना है ये किनारे में है, इसमें धूप कम आ पाती है, शाम के टाइम आती है, तो यहाँ पर मैंने फूलों के और अनार के पेड़ लगाए हैं। देखिए इस बार अनार में बहुत फूल आया हुआ है, रुकता है कि नहीं रुकता, क्योंकि धूप कम मिलती है। ये नींबू का पेड़ है, ये भी धूप कम मिल रही है। ये समी का प्लांट है, ये मैंने नॉर्मल नीम लगा रखा है। ये करौंदा का प्लांट है, ये देखिए ये भी चल रहा है। और ये तो आप जानते हो गुड़हल का फूल, गुड़हल का प्लांट है। इसके बाद में ये सहजन का प्लांट है, ये इसमें बीच में अमरूद भी लगा हुआ है और जामुन भी लगी हुई है। और ये है पारिजात का प्लांट, ये तो वृक्ष बन गया देखिए। और इसके ऊपर ही आप ध्यान से देखना, ये नीम हमारा इतना बड़ा चल रहा है कि ऊपर ग्रीन ये हमने सेट लगाया, उसके ऊपर निकल गया, ये देखिए नीम का पेड़। और ये पारिजात का, और पारिजात एक पारिजात के प्लांट से बहुत पारिजात हो गए। कोई अगर किसी को ज़रूरत हो तो मेरे पास में इतने बेबी प्लांट हैं, ये देखिए सब इसके सीट झड़ते रहते हैं तो ये बनते रहते हैं। इधर भी ये देखिए पारिजात का प्लांट, देखिए कितना अच्छा चल रहा है। नीम पत्ती, करी पत्ती, पारिजात और दसवजिया,
सदाबहार इनका हम, और तुलसी इतना प्लांट है कि मुझे हाथ जोड़ के उखाड़ना पड़ता है या बांटना पड़ता है। अगर किसी को ज़रूरत हो जो हमारे आसपास रहता हो, मैं दिल्ली में रहती हूँ, तो जितने भी प्लांट की ज़रूरत हो फूलों की, आप हमारे यहाँ से ले जा सकते हैं। मेरे पास बहुत इतना प्लांट है कि आधे गमले तो मेरे फूलों से ही भरे हुए हैं। ये देखिए, तो कैसा लगा हमारा बगिया का टूर और हमारी बगिया की सब्जियाँ। अगर अच्छी लगी हो तो आप लोग लाइक करना, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए, धन्यवाद।